खम्मा घनीसा राजस्थान तक का परिवार हुआ फेसबुक पर 1 मिलियन पार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाम और सख्ती से बढ़ रहे हैं, निपटेंगे जो भी अपराधी हैं उनको, या तो सरेंडर कर दे या राजस्थान छोड़ दे, नहीं वो गोली खाने के लिए तैयार है। वो गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान की जनता, 13 जिलों की जनता जब तक माफ नहीं करेगी, जब तक वो ERC का अड़ंगा लगाना बंद कर। नाम इस हाल है, BJP की हालत खराब है राजस्थान में, इसलिए सारे नेता आएंगे, सारे MLA आएंगे, सारे मंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, और कोई भी आ जाए, उसने जीवन दान दिया है मुख्यमंत्री जी को, और हमारे जितना भी मेडिकल को देश में नंबर 1 बनाया है हमारे मुख्यमंत्री जी का कमाल। हमारा जब घोषणा पत्र आएगा तो BJP वालों की आंखें खुली की खुली रह जाएगी, देखेंगे नहीं। तरीके से बहुत सारा फायरिंग हुई और CM अशोक गहलोत ने घोषणा की है, किस तरह देखते हैं, किस तरह मैसेज दिया गया है अपराधियों को? देखो, अपराधियों को बहुत अच्छा मैसेज दिया है, 200 पुलिस की बहुत अच्छी कार्यशैली रही, मैं उसकी खुद प्रशंसा करता हूँ। और मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, अपराधी या तो राजस्थान छोड़ दे या फिर गोली खाने के लिए तैयार रहे। अभी कहा है सीधा, पुलिस अगर कोई फायरिंग अपराधी करता है तो पुलिस को भी काउंटर फायरिंग करनी चाहिए। कल CM का बहुत अच्छा निर्णय था और निश्चित रूप से अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव से संबंध नहीं इसका, अपराधियों का कोई चुनाव से संबंध नहीं है। चुनाव और सख्ती से बढ़ रहे हैं, निपटेंगे इनसे। जो भी अपराधी हैं उनको या तो सरेंडर कर दे या राजस्थान छोड़ दे, नहीं वो गोली खाने के लिए तैयार है। गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार पूरे राजस्थान के दौरे पर है, उनका काफी विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है, या देखो गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान की जनता, 13 जिलों की जनता जब तक माफ नहीं करेगी, जब तक वो ERC का अड़ंगा लगाना बंद कर देंगे, ERC को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करेंगे, गजेंद्र सिंह क्या प्रधानमंत्री को भी नहीं सुनेगी 13 जिलों की जनता। इतना बड़ा मुद्दा 2016 से लेकर बैठे हैं प्रधानमंत्री जी, 2 बार घोषणा करके उसके बाद नहीं करना 13 जिलों के साथ सरासर अन्याय है। अपना प्रधानमंत्री को सुनेगी ना, गजेंद्र को सुनेगी ना, और किसी को सुनेगी, और इनको चुनाव में इसी बात का सामना करना पड़ेगा। तो ये भी कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार गुमराह कर रही है। राजस्थान सरकार ने कुछ भी नहीं, राजस्थान सरकार तो अपने दम पर भी बनाएगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया भारत सरकार करे या नहीं करे, अगर वो निगेटिव अप्रोच रखते हैं तो हम पॉजिटिव रखते हैं। हमें संसाधन कहीं से लाने पड़े, हमारे संसाधनों से पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में अमित शाह भी आज गंगापुर सिटी में आ रहे हैं, किसानों को सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चुनावी साल है, BJP की हालत खराब है राजस्थान में, इसलिए सारे नेता आएंगे, सारे MLA आएंगे, सारे मंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, और कोई भी आ जाए, जब तक 13 जिलों का फैसला प्रधानमंत्री नहीं करेगा, जब तक BJP को मुंह की खानी पड़ेगी। कौन बनेगा तरफ के बाद पूर्वी राजस्थान? पूर्वी राजस्थान पहले से बेटर रहेगा। किस तरीके देखते हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में BJP ने, देखो सरकार के जो काम है OPS है, आपका बिजली फ्री है किसानों का, आपका जो भी इलाज फ्री है 25 लाख का, कितनी बड़ी बात है, जीवन दान दिया है मुख्यमंत्री जी ने, और हमारे जितना भी मेडिकल को देश में नंबर 1 बनाया है हमारे मुख्यमंत्री जी का कमाल है। हमारा जब घोषणा पत्र आएगा तो BJP वालों की आंखें खुली की खुली रह जाएगी, देखेंगे नहीं कि मेडिकल में और हम क्या करने जा रहे हैं, देश प्रदेश की जनता को क्या देने जा रहे हैं। इनको बताया ना मैंने कि आपने कितना काम किया और हमने कितना काम किया 5 साल, हमारे कहीं टिकते नहीं, हमारे पास ही नहीं टिकते मेडिकल में थे। कोई इनका बड़े से बड़ा नेता हो वो हमसे आकर बहस कर ले, तुमने 5 साल में क्या किया और हमने क्या किया, टिकते ही नहीं कहीं ये तो, और हमारे संसाधनों से किया, भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं इसमें, हमारे संसाधनों से किया। हम ऐसा राजस्थान बनाएंगे मेडिकल में मॉडल स्टेट, पूरे देश में नंबर 1 होगा जब हमारे चुनाव घोषणा पत्र आएगा, मुख्यमंत्री जी खुद इसकी घोषणा करेंगे, ऐसा मॉडल स्टेट बनाएंगे देश में कहीं नहीं मिलेगा।